म्यूट के जवाब किसका अनम्यूट है? म्यूट कीजिए बाबू। चलो ठीक है, म्यूट करो बाबू, संकल्प बाबू म्यूट करो। अगस्तिया म्यूट कीजिए, म्यूट ही है। अच्छा ठीक है, हम लोग क्या पढ़े, आप शांति से समझना। आपको हमने क्या पढ़ा है, एंगल्स पढ़ा है, एंगल्स पढ़ा है। दो मिनट रिकैप कर लेते हैं, आपको हमने क्या पढ़ा, एंगल पढ़ाया है ना। तो देखो एंगल में आपको हमने अभी कौन कौन सा एंगल पढ़ा दिया, कौन कौन सा एंगल पढ़ा दिया है ना बाबू। अब यहाँ शांति से समझना, ये एंगल बाबू ठीक, इसको रोटेट करो, रोटेट करते करते यहाँ आ जाएगा, तो एक्यूट एंगल होगा 90 से कम है ना। इसको रोटेट करते करते यहाँ आ गया, क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। क्या हो गया, राइट एंगल। नेक्स्ट बाबू इसको रोटेट करते इधर ले आओ, तो कौन सा मेरा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा ठीक। नेक्स्ट बाबू इसको रोटेट करते करते यहाँ स्ट्रेट लाइन आया, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन, हम समझते चलना, स्ट्रेट एंगल बन गया ठीक। नेक्स्ट बाबू इसको रोटेट करते हुए यहाँ लेके आओ, ऐसे ले आओ, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब इसको रोटेट करते हुए इसी पे ले आओ, तो कम्प्लीट एंगल हो गया, कम्प्लीट एंगल हो गया। कौन सा हो गया, कम्प्लीट एंगल हो गया, कम्प्लीट एंगल हो गया ठीक। इतना तक हम लोग पढ़ लेते, एक जीरो एंगल पढ़े थे, जीरो एंगल क्या होता है, रोटेशन नहीं होना चाहिए, एक एक रे इसी पे, दूसरो रे इसी पे होना चाहिए, रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एंगल को हम लोग जीरो, इसी पे पहला रे या दूसरा रे भी इसी पे, तो इसको जीरो एंगल कहेंगे ना। नेक्स्ट बाबू कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे, अब शांति से समझना, कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, वो कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे, कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे, इसको समझना। लिखा दिया ना सर? हाँ लिखा दिया, लिखा दिया। देखो कम्प्लीमेंट्री कैसे करो, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, और कर लेते हैं ना बाबू। जैसे क्या कहे बाबू, है ना बाबू, द गिवन एंगल बाबू, द गिवन एंगल बाबू, द गिवन एंगल समझना, द गिवन एंगल्स बाबू, द गिवन एंगल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 होगा। अच्छा ठीक है, द गिवन एंगल्स आर बाबू कम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कम्प्लीमेंट टू ईच अदर सर, कम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, कम्प्लीमेंट ठीक है वो, कम्प्लीमेंट टू ईच अदर है ना, एक दूसरे का क्या कम्प्लीमेंट है। देन बाबू फाइंड, देन फाइंड सेकेंड एंगल, देन फाइंड बाबू सेकेंड एंगल, समझना है सर। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, सॉरी तो लीनियर इक्वेशन जैसा है ना सर। मान लो बाबू ये कितना दिया हुआ, ये 30 पॉइंट बाबू, 30 होल बाबू, इतना डिग्री दिया हुआ है, क्या था 33 होल 1/2 डिग्री दिया हुआ, और एक बाबू यहाँ पे बाबू इसको x दिया हुआ है, समझना है। तो आपको x की वैल्यू यही सेकेंड एंगल निकालने का रहा, ए ओ बी हो गया बाबू, और ये सी ओ डी हो गया, ये डी हो गया है ना। तो कह रहा x की वैल्यू निकालो, अब शांति से समझना। यहाँ बाबू बहुत सारे बच्चे आप लोग गलत किए हो, बहुत सारे बच्चे क्या किए हो, एंस का वीडियो ऑन कीजिए बाबू, अरे बाबू ऑन करो। देखो क्या करना बाबू, आपको क्या करना, कम्प्लीमेंट्री एंगल कह रहा है बाबू, दोनों क्या करे, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट करा, मतलब इसका 30 होल 1/2 और इस एंगल का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 20 एंगल + 20 एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा ठीक। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करना, तो वो मिक्स फ्रैक्शन को आप लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 33 इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 33 क्या करोगे, AOB = 56.5 33 × 2 अब प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ सर, को अगर को ये 90 डिग्री कैसे आया सर, मेरे को समझ नहीं आया। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, जिसमें 90 डिग्री हो, जिसमें 90 डिग्री नहीं हो, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो ये दोनों एंगल कम्प्लीमेंट्री दिया हुआ, मतलब ये एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो सर, कैसे सर 90 डिग्री, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग 90 डिग्री ही कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, वैसे दो एंगल हो जिसका सम 90 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल क्या कम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों एंगल के आपस में कम्प्लीमेंट्री है, कम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है ठीक है ना। ये दोनों क्या कर रहा है, कम्प्लीमेंट्री दिया, तो कम्प्लीमेंट्री दिया तो ये दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, समझा बाबू। हर्षिता सो के साथ पढ़ेगा, अरे वो वीडियो ऑन कीजिए, अरे ऑन करो बाबू। तो ये 63/ इतना बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ से इसको पकड़ के उधर लेके जाओ,
तो x बराबर माइनस चल हाँ 67 बाई 2 इसको सोल्व करो बाबू एलसीएम ले लो तो यहाँ नहीं है कुछ वन है तो वन टू का एलसीएम कितना होगा 2 हो जाएगा वन टू का एलसीएम 2 हो जाएगा कितना 180 हो गया बाबू माइनस बाबू 67 हो जाएगा तो 180 माइनस 67 कितना होगा सबट्रैक्ट करके सर कितना होगा सबट्रैक्ट करके बाबू 3 आ जाएगा बाय 2 130 आ जाएगा शैतान 13 सर 13 113 आ जाएगा बाय 2 आ जाएगा 13 बाय 2 हाँ तो इसको डिवाइड करो 180 कहाँ से आ गए 180 कहाँ से आ गया अरे शैतान एलसीएम लेगा ना जी तो 1 मल्टीप्लाई 2 करेगा ना ओ अच्छा 180 2 मल्टीप्लाई 90 करेगा ना जी एलसीएम लो यहाँ से हाँ यस सर हाँ यस सर वो ये लिख रहे थे अरे वो कुटाई खोजता 180 2 मल्टीप्लाई 100 180 माइनस 67 समझ लेता है कुछ ना कुछ 113 बाय 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा इसको डिवाइड करना 100.5 ये 2 से 2 5 से 10 हो जाएगा 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और 1 हो जाएगा ये हो जाएगा 0 चलो ठीक है लिखिए बाबू साढ़े आठ से साढ़े नौ आइएगा हर एक चीज का एज होता बाबू आपका एज डेसिमल वाला पार हो गया है नहीं पढ़ाए बाबू तो दूसरा बैच में आइएगा नहीं तो एक्स्ट्रा टाइम तो भी दीजिएगा तो बताएंगे अपना हाँ सर आपको दे दूंगी सर आप कितना बजे फ्री होते हैं हमारे पास बाबू टाइम नहीं रहता हम सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक बिजी ही रहते हैं सर कितना बुरा लगता होगा ना आपको जल्दी लिखे बाबू नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग गलत लिखा है पी एल ई होगा कॉम्प्लीमेंट बाबू होता अच्छा चलो ई होता चलो ठीक है अभिषेक समझा बाबू अभिषेक यस सर तो दीपक से तेज हो जाएगा बाबू बोलेगा नहीं शैतान आज तो क्लास में एकदम हिलाए हुए था बाबू तो आपके क्लास में आपसे भी कोई तेज पढ़ने में है जी अभिषेक नहीं ना बाबू हाँ बाबू सर बोरियत होता है क्या बाबू सर ये सब मैं पढ़ चुकी हूँ सर 56 में आगे नहीं ना पढ़ी हो एक एक क्लास के बाद नहीं पा अभी अभी वो सब वर्टिकल या पॉजिटिव सब नहीं ना पढ़ी हो ना ऑल्टरनेट अपोजिट सर अभी एकदम चल ही रहा है सर क्लास में अच्छा ठीक सर हाँ बाबू जल्दी लिखे मेरा पॉलीनोमियल स्टार्ट हो गया अच्छा ठीक फैक्टराइजेशन सर पहला एंगल में और ओ का ऊपर क्या लिखे हैं डी है बी सी ओ डी है और ए ओ डी है तब पीछे से कुछ निकला है वही समझ गया ए संकल्प वीडियो ऑन कीजिए बाबू संकल्प बाबू नेक्स्ट बाबू हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे कौन पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री जल्दी लिखे सर दर्द कर रहा है स्वाति कछुआ एक दो दिन कष्ट कीजिए ना बाबू फिर अगर इसमें एडजस्ट कर पाइएगा तो इसमें कीजिएगा तो 7 बजे से 8:30 बजे तक कर लीजिएगा 1.5 घंटा पढ़ लीजिएगा है ना एक आध दिन और कष्ट कीजिए कोई दिक्कत नहीं बाबू है ना सर रुक जाइए क्या कछुआ जैसे कि ज्योमेट्री के बाद इसमें क्या स्टार्ट करेंगे
ज्योमेट्री के बाद बाबू ये सब का देखते हैं बाबू कौन सा डिमांड है ये सब का। आपके लिए सर हैंडलिंग सर रुक जाइए सर पढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है वही पढ़ा देंगे देखते हैं बाबू है ना। इसमें दो दिन साइंस भी पढ़ाना बाबू बहुत सारे दो दिन साइंस भी इसमें पढ़ाना है। सर रुक जाइए ना सर मैं रुक जाइए। अरे शैतान जल्दी लिखो। फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें भी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ खाली मैथ्स अभी चल रहा है। इसमें दो दिन साइंस कराएंगे फ्राइडे सैटरडे को। सर साइंस में इसमें कौन से स्टार्ट करेंगे सर? फिजिक्स केमिस्ट्री तो अभी अलग करेंगे नहीं, अभी आप ईवीएससी पढ़ाएंगे थोड़ा बेसिक। सर आपने बोला था कि सैटरडे को इंग्लिश क्लास होगा तो ईवीएस पढ़ाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल डन सर। सर बाजी को मंडे के संडे को लेंगे। अरे शैतान पहले पढ़ाई करो उसके बाद हल्ला मत कर। क्या बाबू सप्लीमेंट्री एंगल बाबू कम्प्लीमेंट्री का बाबू क्या वो उल्टा क्या सप्लीमेंट्री है? कम्प्लीमेंट्री में हम लोग क्या करते थे दो एंगल का सम 180 डिग्री करते थे। ए हल्ला मत करो। अब इस सप्लीमेंट्री में क्या करें बाबू दो एंगल का सम कितना करेंगे 180 करेंगे 180 करेंगे। वैसे एंगल को हम लोग क्या करेंगे सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। अरे शैतान तो आप लोग घंटा से लिखते रहना एक घंटा से खाली लिखता है शैतान सिलेबस भी पढ़ाना रहता है। ठीक है तो हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल को कैसे डिफाइन करें यदि बाबू दो एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री तो हम लोग कहेंगे वैसे दोनों एंगल क्या है एक दूसरे का क्या है सप्लीमेंट्री है एक दूसरे का क्या वो सप्लीमेंट्री है। जैसे समझना जैसे बाबू मान लो एक एंगल ऐसे ले लो ये बाबू 30 डिग्री है ठीक ये हो गया ए हो गया ई ओ हो गया और ये बी हो गया ठीक 30 डिग्री एक एंगल ऐसे बना लेते हैं ठीक ये सी हो गया ई ओ हो गया ये डी हो गया ये हो गया 150 डिग्री। तो देखो दिस एंगल और दिस एंगल का सम करो 150 + 30 180 डिग्री आ रहा ना तो हम लोग कहीं ये दोनों एंगल आपस में क्या सप्लीमेंट्री है ये दोनों आपस में क्या सप्लीमेंट्री है मतलब जिस दो एंगल का सम बाबू जिस दो एंगल का सम कितना होगा ए संकल्प बाबू सत्यम वीडियो ऑन करो यदि दो एंगल का सम कितना 180 डिग्री 150 डिग्री अरे शैतान 150 + 30 कितना होगा 180 डिग्री तो हम लोग क्या कहेंगे दोनों आपस में क्या सप्लीमेंट्री है दोनों आपस में क्या पहले समझना लिखना नहीं है पहले समझना बाबू डोंट राइट एनीथिंग बाबू ये 90 डिग्री हो गया बाबू और यहाँ से ये दोनों एंगल भी कितना बाबू 90 डिग्री तो ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होगा सर। हाँ सर सप्लीमेंट्री होगा कैसे सर 90 + 90 कितना होगा 90 + 90 ए ओ बी हो गया बाबू यहाँ से सी ओ डी हो गया तो ये भी आपस में क्या है सप्लीमेंट्री है। सर मैं इसको खुद से वो डिफाइन कर सकता हूँ? अरे शैतान नहीं है खुद से डिफाइन करने की जरूरत है। नेक्स्ट बाबू जैसे मान लो बाबू ये कितना बाबू 40 डिग्री है ये 40 डिग्री है ना बाबू ठीक बाबू और नेक्स्ट बाबू यहाँ से ये बाबू ये कर लो ये बाबू 100 डिग्री है ये क्या सप्लीमेंट्री होगा सर सप्लीमेंट्री होगा बाबू सप्लीमेंट्री होगा सप्लीमेंट्री नहीं होगा क्योंकि सर यहाँ 100 + 40 मम्मी कितना पढ़ा 180 नहीं आता 100 + 40 140 से आता तो ये आपका सप्लीमेंट्री नहीं होगा ये आपका सप्लीमेंट्री नहीं होगा है ना सप्लीमेंट्री नहीं होगा। तो इसको अगर डिफाइन करना रहे बाबू तो डिफाइन करना रहे तो हम लोग कैसे डिफाइन करो टू एंगल्स का वो 180 डिग्रीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा ठीक है टू एंगल्स बाबू लिखे बाबू टू एंगल्स बाबू आर सेड टू बी व्हिच सम एड्स अप टू टू एंगल्स बाबू आर सेड टू बी आर सेड टू बी बाबू सप्लीमेंट्री टू एंगल्स बाबू आर सेड टू बी बाबू सप्लीमेंट्री टू ईच अदर टू एंगल्स बाबू आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर बाबू इफ दिस सम इज 180 डिग्री If the sum of their angle तय करना जो भी अलग एंगल हो और उसमें भी सर आपका वैल्यू लिखवाए थे सर तो sum of their value लाना चाहिएगा सर बाबू लिखिए ना बताते हैं बाबू आधा बात बाबू आप लोग पीछे में
एंगल ए ओ बी बाबू एंड एंगल अच्छा शैतान ठीक है रुको बोलना सी ओ डी बाबू हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं क्या टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ देयर सम इज 180 डिग्री हाँ बाबू एंगल ए ओ बी सी ओ डी आर बाबू सप्लीमेंट्री टू ईच अदर हाँ तन्नो सर वरना 180 जब भी कोई अलग एंगल हो उसका सम दोनों का सम 180 डिग्री आ भी गए उसको सप्लीमेंट्री माना जाएगा 180 डिग्री आएगा तभी सप्लीमेंट्री मानेंगे 180 डिग्री के सिवा दूसरा आएगा तो हम लोग नहीं मानेंगे सप्लीमेंट्री सर वरना वो अलग जो हो ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल हाँ बाबू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल में दो एंगल इसमें रहेगा दोनों का नहीं सर दो एंगल जिनका सम आधा बुक 180 डिग्री बनता है सर सब ठीक है चिया ठीक है बाबू बाबू दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए जैसे इसमें जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है 100 + 40 अरे बाबू नहीं तो ये सप्लीमेंट्री नहीं होगा ये सप्लीमेंट्री नहीं होगा इसमें जोड़ के 90 + 90 है 180 हो गया तो ये सप्लीमेंट्री हो गया एंगल ए सर खाली जोड़ना ही है या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते सर आप लोग कौन सा सही है एंगल ए और बी के बाद ये एंड का सिंबल है एंड है एंड है एंड कैसा साइन दिया सर आप पहले हां बाबू रखे थे पीटीए सर पहले क्या बाबू पेरेंट्स मीटिंग कब रखेंगे रखेंगे बाबू अभी आप लोग का बाबू थोड़ा सा क्लास मैनेज हो जाना सर अभी सर हाँ बाबू सर हम कोई सा भी लेटर लिख सकते हैं हाँ बाबू कोई सा भी लिख हाँ वो कोई सा भी लिख सकते सर आप बहुत जगह में आप वर्टिस पे है ना आप बहुत ही ज्यादा ही दे रहे हैं ओ कुछ और दीजिए ना सर वर्टिस इसमें अच्छा ठीक है बाबू सर मैं लिख रहा हूँ सर लिखे 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 सर दोनों का दोनों राइट एंगल है क्या सर हाँ वो दोनों का दोनों राइट एंगल है सर आयुष बाबू बैठ के पढ़िए आयुष तबीयत ठीक नहीं है आयुष आयुष बाबू तबीयत ठीक नहीं है जी नो सर क्या हो गया बाबू सर बुखार लग गया अच्छा बुखार लगे हो चलो ठीक है मुझे बुखार लग गया सर अरे शैतान तो वो अभी सेकंड में उससे कंपेयर अपने को काय करते बाबू वो अभी सेकंड क्लास में कहां आप 6 से 7 में हो सर वो 6 में सर आपने सेकंड नंबर में सेकंड एंगल को डिग्री देना भूल गए अच्छा मेरे लाल बहुत ही सब केयर करते हैं बाबू सर लेकिन ये तो मेन है समझ में आ रहा राजनंदनी ये राजनंदनी हाँ बाबू धीरे धीरे हम लोग तेज होते चलेंगे आपको दीपक आ रहा समझ में बाबू दीपक हाँ बाबू तो अभिषेक आपसे ज्यादा तेज हो जाएगा ध्यान दीजिएगा पीयूष बाबू समझ में आ रहा है पीयूष हाँ बाबू नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल लिख रहा था तन्नु बाबू आपका छूटेगा बाबू देखो 7 बजे से क्या बाबू वो सब का बैच आपको तो आपका जो छूटेगा हम बता देंगे आपको एक्स्ट्रा टाइम देकर ठीक है तन्नु क्या सर आपका जो छूटेगा एक्स्ट्रा टाइम देकर संडे को बता देंगे ठीक सर आपने वो
ए और बी लिखा है, ए और डी होगा सर वहाँ पे सर, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर एग्जांपल में ए और डी होगा, आपने तो ए और डी. अच्छा ठीक है, ए और डी ठीक है, चलो म्यूट करो तनो. चलिए बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट रुक जाइए सर. डी आई भाई बताइए. अरे शैतान डी आई भाई. एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री बनता है, ध्यान देना बाबू. सर सर मिटा सकते हैं आप सर, आप सर लास्ट एग्जांपल में फिनिश कीजिएगा. एक कंसेप्ट करके लिखना बाबू, स्ट्रेट एंगल पे अगर कोई एंगल बन रहा है बाबू, स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल बन रहा है, ये हो गया बाबू, इधर से कोई एंगल बना दो, मान लो ए है बाबू, चलो पी क्यू आर ले लो, पी हो गया बाबू, क्यू हो गया बाबू, इधर आर हो गया, और इधर कितना हो गया, एस हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा. एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू हमेशा एंगल सर बता दो, एक स्ट्रेट लाइन का ये दोनों एंगल का, दिस एंगल और दिस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा. तो ये एंगल हमेशा आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे. स्ट्रेट एंगल का बाबू ऐसा है, वो एंगल सर जो सीधा हो सर, स्ट्रेट एंगल उसको बोलेंगे. हाँ मेरे शैतान, हमेशा हमेशा हर एक चीज में बाबू ये बोल दो ठीक. अगर बाबू क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू ये एंगल और ये एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है. ये टोटल का टोटल बड़ा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना बाबू. ठीक है बाबू, तो ये एंगल का सम, एंगल वन एंगल टू हमेशा, एंगल वन एंगल टू हमेशा क्या होंगे बाबू, कम, ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. क्यों सर, क्योंकि बाबू एंगल वन प्लस एंगल टू का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. स्ट्रेट एंगल पे कितना बनता है, स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है ना. तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बाबू, एंगल बाबू वन एंड टू, इसको एंगल वन मान लो, इसको एंगल टू मान लो, ये एंगल वन मान लो, इसको एंगल टू मान लो. तो एंगल वन एंड एंगल टू आर बाबू, एंगल टू बाबू आर बाबू, सप्लीमेंट टू ईच अदर, क्या होगा, सप्लीमेंट टू ईच अदर होगा, क्या होगा बाबू, आर बाबू सप्लीमेंट, सप्लीमेंट बाबू. मेरा तबीयत खराब है सर, इसलिए. क्या हो गया आपको बाबू? सर बुखार लगा हुआ है, माथा दर्द. बुखार लग गया था तांत, एग्जाम के तैयारी कैसे करेगा सर? करेंगे अबरी जहां जो गड़बड़ा आया तो बहुत पीटेंगे. 8 तारीख से कब तारीख तक है बाबू? तारीख से 9 तारीख से एग्जाम है सर. 9 से बाबू. नहीं सर, वो एडजस्टमेंट है सर, उसके पास टाइम ही नहीं है अभी याद करने को. कितना नंबर होगा एडजस्टमेंट एंगल बाबू, ये कितना नंबर होगा, सप्लीमेंट्री कितना नंबर था जी? सर शायद 9 नंबर था सर. 10 नंबर एडजस्टमेंट एंगल, इसको समझो, इसको समझो सर, वही होगा जो आसपास रहता है ना पड़ोसी. हाँ बाबू, देखो एडजस्टमेंट एंगल क्या होता है बाबू, पड़ोसिया वाला. कौन बाबू पड़ोसिया वाला, मतलब कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब समझना है, समझना है. जैसे बाबू, जैसे बाबू कहने का मतलब क्या बाबू, मान लो इस तरह से कोई लाइन दिया हुआ है ना, ये हो गया ए बाबू, ये हो गया बी बाबू, और ये हो गया सी. ठीक, इसको बाबू क्या करो, इसको बीच से डिवाइड कर दो, बीच से क्या करो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो. एक लाइन ऐसे ले लो, ये भी सी हो गया, ये डी हो गया. तो इसका पड़ोसिया कौन है, ये वाला बाबू, इस एंगल का पड़ोसिया ये है. एंगल वन का पड़ोसी कौन है, एंगल टू है. तो हम लोग कहेंगे बाबू ये जो एंगल वन और टू है वो क्या, एडजेसेंट एंगल है. क्या एडजेसेंट एंगल है, शांति से सुनना. एडजेसेंट एंगल में क्या होना चाहिए, वो एक कॉमन आर्म होना चाहिए. ये क्या, इसको आर्म कहते हैं. तो एडजेसेंट एंगल में क्या होना चाहिए, एक वैसा कॉमन, एक बाबू ऐसा आर्म होना चाहिए जो दोनों में क्या रहे, दोनों में कॉमन रहे. ये वाला जो आर्म है बीडी बाबू, बीडी जो रे है, बीडी जो रे है, बीडी जो आर्म है, ये क्या,
दोनों में कॉमन है, एंगल टू के लिए भी कॉमन है, एंगल वन के लिए भी कॉमन है। एक पॉइंट क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक वर्टिक्स कॉमन होना चाहिए, वर्टिक्स कॉमन होना चाहिए, वर्टिक्स। तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। मतलब एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी आर क्या, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल है ना, एडजेसेंट एंगल, पड़ोसी। इस एंगल का पड़ोसी कौन, ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, शांति समझना। जैसे बाबू कोई ऐसे कर दे और ऐसे कर दे और ऐसे कर दे, और ये एंगल वन करे और ये एंगल टू करे, तो ये एंगल वन एंगल टू एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ये एंगल वन बाबू एंगल टू एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, एडजेसेंट एंगल नहीं। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट अगर डी है, तो टू नहीं होगा। क्यों बाबू, एंगल वन एंगल टू एडजेसेंट नहीं होगा, क्योंकि बाबू कॉमन आर्म नहीं ना बाबू। एंगल बाबू देखो दोनों के क्या होना चाहिए, इस एंगल के लिए ये आर्म, इस एंगल आर्म तो कॉमन है, लेकिन वर्टिक्स सेम नहीं है। वर्टिक्स क्या बाबू, सेम नहीं है। आपको बाबू एडजेसेंट एंगल के लिए क्या होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए, एक कॉमन वर्टिक्स होना चाहिए। यहाँ पे आर्म तो कॉमन है, इवला बाबू इवला तो लाइन दोनों में कॉमन है, लेकिन वर्टिक्स, एक वर्टिक्स यहाँ एक वर्टिक्स यहाँ, तो इसमें एंगल वन एंगल टू एडजेसेंट नहीं होगा। एडजेसेंट एंगल का कंडीशन क्या बाबू, दोनों में एक ही आर्म होना चाहिए, दोनों एंगल के लिए एक ही आर्म होना चाहिए, है ना बाबू, एक ही आर्म होना चाहिए, और दोनों के लिए, दोनों एंगल के लिए एक ही वर्टिक्स होना चाहिए, है ना। ये क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टिक्स, ये क्या बाबू, कॉमन एक ही वर्टिक्स होना चाहिए, ये कॉमन वर्टिक्स होना चाहिए बाबू, है ना, कॉमन वर्टिक्स होना चाहिए, तभी आपका एडजेसेंट होगा। और ये क्या हो गया, कॉमन आर्म हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन आर्म हो गया, कॉमन आर्म हो गया, है ना, तभी हम लोग एडजेसेंट कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे, है ना। अरे तनु बहुत बोलती है, ये वाला वो कॉमन वर्टिक्स नहीं है, एक वर्टिक्स यहाँ दूसरा वर्टिक्स यहाँ, तो ये हम लोग एडजेसेंट नहीं कहेंगे, एडजेसेंट नहीं कहेंगे। तो एडजेसेंट को अगर डिफाइन करना रहे बाबू, एडजेसेंट एंगल को अगर डिफाइन करना रहे, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, इसी तरह से करेंगे बाबू, डिफाइन करेंगे। इफ बाबू लिखे, लिखे बाबू, इफ बाबू टू और बाबू, इफ टू एंगल्स लिखे, लिखे हो, इफ टू एंगल्स बाबू, हाय बे, हाँ बाबू, इफ टू एंगल्स बाबू, हाय बे बाबू, कॉमन वर्टिक्स, एंड बाबू कॉमन आर्म, कॉमन आर्म बाबू, इफ टू एंगल्स बाबू, हाय बे बाबू, कॉमन वर्टिक्स एंड कॉमन आर्म, बट बाबू नो कॉमन, इंटीरियर पॉइंट्स, देन दे आर फिर से समझा देंगे, कहाँ था, देन दे आर कॉल्ड एडजेसेंट। सर सुन रहा था लेकिन समझ में नहीं आया सर कि वो कैसे, सर आप बना रहे हैं सर, बाकी तो समझ में आ गया कि कॉमन वर्टेक्स रहना चाहिए और कॉमन आर्म रहना चाहिए, लेकिन कैसे बना रहे, मतलब वो नहीं समझ में आ रहा। देखो एंगल वन एंड एंगल टू बाबू, एंगल वन एंड एंगल टू आर एडजेसेंट एंगल, इसको थ्री कर दो, इसको फोर कर दो, लिखिए बाबू समझाते हैं। स्वाति राजनंदिनी अभिषेक, क्लियर नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है बाबू करते हैं, समझ में आ रहा है अर्चिता। अब अटेंडेंस आप लोग का लेते हैं बाबू, ये संकल्प नहीं बोला, समझ में ना आया संकल्प, अभी मैसेज आया बाबू कि संकल्प को नहीं समझ में आया है, है ना संकल्प, मजाक मत कीजिए, क्या संकल्प, मजाक मत कीजिए, तो नहीं ना अभी समझ में आया बाबू, अभी मैसेज आया था बाबू कि संकल्प को समझ में नहीं आया, नो सर मुझे समझ में आ गया है, जियो मेरे बाबू, तन्वी नहीं बाबू, शिवानी नहीं है, तन्नु है, सत्यम है, आरब है, रौनक है, रौनक समझ में आ रहा बाबू, हाँ बाबू, पीयूष है, राजनंदिनी है, शुभ्र है, संदीप है, अगस्त्या है, निकू है, चिया, अर्चिता,
सलोनी नहीं बाबू, धूप को भी नहीं आई है, आयुष है, दीपक है, अभिषेक है। सर मैं ये लिख सकता हूँ सर, एंगल थ्री एंड एंगल फोर आर नॉट एडजेसेंट एंगल। हाँ बाबू लिखेंगे, बाबू आप लिखे ना, लिखेंगे एंगल थ्री एंड एंगल फोर। सर टेंथ में आप क्वेश्चन देंगे कि व्हाट आर एडजेसेंट एंगल, व्हाट आर राइट एंगल, ये सब क्या गप करना है बाबू, क्या गप करा कर रहा दीपक। ए दीपक क्या गप करने में लगा बाबू, आर नॉट बाबू एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। इलेवन नंबर बाबू, इलेवन नंबर, इलेवन नंबर समझे, इलेवन नंबर वर्टिकल। रुक जाइए सर, अपोजिट एंगल। हाँ नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट वर्टिकल अपोजिट है, उसको समझना है। सर मैं एडजेसेंट नहीं समझ पाया था सर। अच्छा ठीक है लिखो, बताते हैं सर, पर हमको नहीं लिखना। डन सर। वेरी गुड बाबू। सर समझा दीजिए ना। अच्छा समझा रहे, लिखो 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 ना, समझा रहे। देखो एडजेसेंट किस को ना बाबू, किस को एंगल आएगा। टाइम हो गया, अरे टाइम हो गया, फूट देंगे, टाइम हो गया, ये तो टाइम ही देखते रहता सर, सही में टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, देखो एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे बाबू, एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे बाबू, वैसा एंगल बाबू जिसमें क्या होना चाहिए, वैसा एंगल बाबू जिसमें कॉमन आर्म होना चाहिए, जैसे एक एंगल बना दो इस तरह से बना दो, ठीक, तो ये दोनों एंगल के बीच में एक ऐसा लाइन ड्रा कर दो, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, तो ये दोनों एंगल के लिए बाबू, ये वाला ये दोनों एंगल वन और टू के लिए, ये दोनों ये एंगल वन और टू के लिए, ये जो आर्म है दोनों में आता है ना बाबू, एंगल वन में भी ये वाला आर्म आ रहा है, एंगल टू में भी ये वाला आर्म आ रहा है, तो एक कॉमन आर्म होना चाहिए और ये जो एक कॉमन वर्टिक्स होना चाहिए, ये वर्टिक्स क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ये जो वर्टिक्स है एंगल वन के लिए भी आ रहा है बाबू, और ये जो वर्टिक्स है ये एंगल टू के लिए भी आ रहा है, अरे बाबू इसको मिटा दो, इसको इतना मिटा दो, तो एंगल टू में क्या आ जाएगा, ये भी आर्म आ रहा है, एंगल वन में बाबू इसको भूल जा, तो एंगल वन में ये वाला आर्म आ रहा है, दोनों ये एक ही आर्म दोनों जगह आ रहा है, तो एक ही आर्म दोनों में आना चाहिए, दोनों एंगल में आना चाहिए और एक वर्टिक्स आना चाहिए, तो इसको अगर भूल जाओगे, इसको भूल जाओ ऊपर वाला, तो एंगल वन में ये वाला वर्टिक्स है ना जी, एंगल वन को भूल जाओ, एंगल वन को भूल जाओगे तो एंगल टू में ये वाला वर्टिक्स है ना, तो बाबू एक कॉमन वर्टिक्स होना चाहिए, मतलब वर्टिक्स दोनों एंगल में प्रेजेंट होना चाहिए और एक कॉमन आर्म होना चाहिए, आर्म ने दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे को हम लोग कहेंगे बाबू, ऐसे को हम लोग कहेंगे एडजेसेंट एंगल कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। हाँ बाबू आप लोग का बाबू संडे को आप लोग फ्री रहते बाबू, अब शांति से सुनना है हमको, संडे को बाबू रुको, अब शांति से सुनो, हल्ला मत करो, ये प्रीवियस क्लास बुलाई पाओ जे क्या बाबू। अब बाबू यहाँ से आपको समझना है थोड़ा सा, इसको बंद करते रिकॉर्डिंग को,